इन दिस सेक्शन आई एल एक्सप्लेन अनादर फाइनेंशियल एवरेज रेशो कॉल द डेट टू एक्विटी रेशो सो डेट रेशो को हमने डिफाइन किया था जिसमें हम टोटल डेट को टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं टू सी के आपके पास जो आपने जो डेट लिया हुआ है आपके टोटल एसेट्स के साथ उसका क्या लिंक है क्या रिलेशनशिप है बट सी ऑल्सो इनऑर्डर टू असेस के फाइनेंशियल लेवरेज का क्या पोजिशन है तो हम टोटल डेट को अगर टोटल एक्विटी के साथ में डिवाइड कर दें टोटल डेट को या टोटल लाइबिलिटीज इफ वी डिवाइडेड बाय द टोटल शेयर होल्डर्स एक्टी वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डेट टू एक्विटी रेशो सो डेट टू एक्विटी रेशो को एक्सप्लेन so, करने के लिए आई एम यूजिंग आर द रियल टाइम डेटा जिसमें हमें पता चला कि टीके मैक्स इज बिग स्टोर उसकी जो uh, उसकी जो डेट है फिजकल ईयर 2019 में दैट इज़ 15.53 बिलियन डॉलर्स और उसके पास जो एक्विटी है यानी कि जो शेयर होल्डर्स ने पैसे जमा करके उसकी ओनरशिप ली हुई है दैट इज़ 4.32 डॉलर्स सो एज़ द फॉर्मूला गोज़ हमने 15.43 बिलियन को रखना है न्यूमरेटर में और 4.32 को हमने रखा डीनोमिनेटर में एंड द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 3.59 पॉइंट सो इफ वी एक्सप्रेस दिस नंबर इन परसेंटेज इट मीन्स ये जो टी टी के मार्क्स है उसके लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज न्यूमरेटर में लिए हुए लाइबिलिटीज आर थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन परसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स एक्विटी जो कि बहुत खतरनाक बात की निशानदेही करती है कि इसका मतलब ये है कि जो एक्विटी है वो उससे जो लाइबिलिटीज़ हैं वो थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन परसेंट ज़्यादा हैं तो दिस इज नॉट शोइंग अ गुड साइन डेट टू एक्विटी रेशो को इंटरप्रेट करने के लिए जनरली वी नीड टू नो कि हाई डेट टू एक्विटी रेशो अगर हो तो ये इंडिकेट करता है कि जो कंपनी है वो एग्रेसिव है फाइनेंसिंग में इट्स फाइनेंसिंग इट्स ग्रोथ विद डेट वो एग्रेसिवली अपनी ग्रोथ को डेट से फाइनेंस करती है यानी कि बहुत ज़्यादा वो डेट पे डिपेंड करती है अपनी फा... की ग्रोथ के लिए दिस विल बी द इंटरप्रिटेशन अगर डेट टू इक्विटी रेशो की वैल्यू हाई निकलती है इन दिस केस अगर आपका डेट आपकी इक्विटी के प्रपोर्शन से काफी बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो अर्निंग्स हैं दे कैन बी वोलेटाइल उनमें काफी उतार चढ़ाव आ सकता है क्योंकि आपने काफी ज्यादा पैसे अपनी आमदन के इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे अदा करने हैं इफ द कंपनीज इंटरेस्ट एक्सपेंस ग्रोज टू हाई फिर क्या होगा इट मे इंक्रीज द कंपनीज चांसेस ऑफ डिफॉल्ट और बैंक्राप्सी तो इसका मतलब ये है कि इफ़ वी लुक एट डेट टू एक्विटी रेशो तो दोनों का कुछ बराबर का तनासुब होना चाहिए कि डेट और एक्विटी रेशो में जो डेट है या टोटल लाइबिलिटीज हैं वो एक्विटी से के प्रपोर्शन से काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे तो वो खतरे की निशानदेही करते हैं इसी तरह से जो डेट टू एक्विटी रेशो है अगर वो टू से लार्ज है तो अभी हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि इफ़ द डेट टू इक्विटी एक्विटी रेशो इज ग्रेटर देन टू इट मीन्स दैट इन्वेस्टर के लिए ये एक हाई लेवल ऑफ रिस्की सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है और लेकिन साथ ही में देर इज़ अ कॉशन के जो आपका डेट टू एक्विटी रेशो का ये टू का स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं दैट कुड नॉट बी अप्लाइड इन ऑल द सेक्टर्स तो हो सकता है कि कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल है या फर्टिलाइज़र है जहां एक्टी कम है और जो डेट है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाए मगर अगर वो काफ़ी ज़्यादा मनी टाइम्स ज़्यादा है डेट या टोटल लाइबिलिटीज एक्विटी के तनासब से तो फिर ये एक रिस्की सिचुएशन की को निशानदेही कर रही है या उसको इंडिकेट कर रही है बिज़नेसेस जो कि लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले बिजनेस होते हैं यानी कि जैसे यूटिलिटी वाले जो सुई गैस का इदारा है या वापडा है इन तमाम इदारों को सेटअप करने के लिए रन करने के लिए जा, बहुत ज़्यादा कैपिटल दरकार होता है तो यूटिलिटी के जो कंपनीज़ हैं या जो मैन्यूफेक्चरिंग कंपनीज़ हैं इनके लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा दरकार होता है ऐसे के सिचुएशन में इस तरह की कंपनीज़ एक्वटी के प्रोपोर्शन से ज़्यादा लोन का प्रोपोर्शन रखती हैं तो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड के हम अगर डेट टू एक्विटी रेशो की बेसिस पे कोई इन्फ्रेंसिस ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि आपकी जो फर्म है जिसके लिए आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कॉर्पोरेशन है जिसके आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कौन से सेक्टर पे बिलोंग से बिलोंग करती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे सेक्टर में पाई जाती है जहाँ एक्विटी होती ही कम है सो so, ये एक अहम एस्पेक्ट है जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए इट इज़ अ गुड आइडिया टू मायर द फर्म्स लेवरेज रेशोज अगेंस्ट द पास्ट परफॉर्मेंस एंड उसकी खुद की पास्ट परफॉर्मेंस से उसका डेट टू एक्विटी रेशो को कैलकुलेट करें कंपेयर करें और उस सेक्टर में जो उसके कंपेटिटर्स हैं उनके साथ मैच करके देखेंगे तो आपको ये जो अभी मैंने बताया कि सेक्टर टू सेक्टर भी वेरी करता है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से आप गलत डिसीशन नहीं करेंगे सो so, आप उसकी पुरानी जो डेटा है उसको काउंट फॉर करके डेट टू एक्टी रेशो देखें तो आपको पता चलेगा कि इनका यही तनासब है इसी हिसाब से ये चलते हैं या इस पर्टिकुलर सेक्टर में इसके जो कंपेटिटर्स हैं वहाँ भी डेट डेट टू एक्विटी रेशो हाई है या लो है या दरमियाने दर्जे पे है तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा चलेगा अंदाज़ा हो जाएगा कि सेक्टर में ही डेट टू एक्टी रेशो हाई हाई डेट टू एक्विटी रेशो वाला सेक्टर है ये राइट सो दिस इज हाउ वी कैन गेट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रेशोज